हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं सविंद्र नखाते आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही शानदार जबरदस्त सेशन जिसका नाम है समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, जिसका दोस्तों ये पार्ट टू है। पार्ट वन में मैंने आपको बहुत ही बेसिक और सिंपल तरीके के क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज हम जो देखेंगे समय और कार्य के थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो एग्जामों में आते हैं, चाहे वो आप कोई भी एग्जाम ले सकते हैं, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम। तो दोस्तों, हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके बताइए, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें दोस्तों, ताकि उन लोगों को भी हमारे वीडियो पहुंच सके जो जो इन चीज़ों से थोड़े से वंचित रह चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चनों से, इस टाइप के मेथड से, इस टाइप के ट्रिक और कंसेप्ट से। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करता हूँ मैं आज समय और कार्य के बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको कुछ ट्रिक बता देना चाहता हूं, जो मैंने पार्ट वन में बता चुका हूं, एक छोटा सा कंसेप्ट, उसी कंसेप्ट के बेस पे करेंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं पार्ट वन का रिवाइज करवा दे रहा हूं कि क्या होता था। जो भी कुल काम होता था दोस्तों, वो होता था समय और क्षमता का गुणनफल। क्षमता का गुणनफल, क्षमता मतलब होता है जो काम कर रहे हैं पर डे कितना होता है, समय मतलब दिन या आवर्स रहते थे, दिन या घंटे लिखे रहते थे कितने घंटे में काम कर रहे हैं, और काम मतलब टोटल वर्क चाहे जो भी हुआ हो। तो दोस्तों, ये छोटा सा बेसिक कंसेप्ट आपको फिर से एक बार, ताकि अब जो इस क्वेश्चन करेंगे हम इसी बेस पे करने वाले दोस्तों। बेसिक क्वेश्चन मैंने पार्ट वन में करा चुका हूँ, यदि आपने हमारा पार्ट वन नहीं देखे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आके आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर पहला बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा एग्जामों में आते हैं, आपको करना है। आज मैं क्वेश्चनों का दोस्तों लेवल थोड़ा हाई रखूंगा, क्योंकि मैंने पार्ट वन जो करा चुका हूं दोस्तों, उसमें मैंने बेसिक लेवल के क्वेश्चन करा चुका हूं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके पार्ट वन को देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं बहुत ही शानदार तरीके से। कोई ए है और बी है। पहली लाइन कह रही है ए 12 दिन में समाप्त कर सकता है, उससे कोई अभी लेना देना नहीं है दोस्तों। अगली लाइन में जो रिलेशन दिया है उसको समझते हैं। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल, 60% अधिक कार्यकुशल है, मतलब अगर ये 100 है तो ये 60% अधिक है, मतलब 160 हो जाएगा। मैंने आपको कुछ वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों कि जब भी कोई ज़्यादा होता है, लाभ होता है या प्रॉफिट जो चीज़ हो रहा है, या हानि हो रही, तो हानि में 100 से कम कर देते हैं, लाभ में ज़्यादा, ये लाभ में जोड़ देते हैं, अधिक हो रहा है तो जोड़ देते हैं और कम हो रहा है तो घटा देते हैं। तो वैसे ही अगर 60% अधिक कार्य कुशल है तो 60 इसमें जोड़ दिया, 100 में 60 क्या करता है दोस्तों, जोड़ता। चलो काट दीजिए 0 से 0, 2 8 16, 2 5 10, ये जो आया दोस्तों 5 और 8, ए और बी का, ये क्या है, इनकी कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता है। अब पूछा है कि ए कितने दिन में काम कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और काम एक दिन में 5 काम करता है तो 12 दिन में कितना काम करेगा, सीधी सी बात है 12 × 5 = 60। तो 12 × 5 ये 60, ये क्या है दोस्तों, कुल काम। कुल काम कैसे, कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है तो 5 काम, ये क्या है, पर डे का काम है, तो 5 काम 12 × 5 = 60। यदि आपको कंफ्यूजन जाता है दोस्तों, तो मैं यहाँ एक कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ, कुल काम बराबर समय गुणित क्षमता। एक ही क्षमता 5 थी, 12 दिन में कर रहा था, समय 12 दिन था, क्षमता 5 थी, 12 × 5 = 60, कुल काम कितना आ गया, 60। अब पूछा है कि उसी काम को बी कितने दिन में करेगा, 60 काम है, उसकी क्षमता कितनी है, बी की 8 है। ये किसकी बात कर रहा हूं, बी की, ये किसकी बात थी, ए की। बी की क्षमता कितनी है, 8 है, काम कितना है, इतना, तो इसको काट दो, 4 × 8, ये कटेगा 15 × 4 से, 15/2 यानी 7.5 दिन में करेगा। अगर दशमलव में आंसर नहीं है, मिश्र भिन्न में है, तो दोस्तों क्या करोगे, 7 सही 1/2, 2 7 = 14, 15 × 14 = 1, 7 सही 1/2 दिन, ये आपका आंसर। समझ में आया दोस्तों कैसे किए, एक बार फिर से देख लीजिए। ए और बी, एक रिलेशन दिया था, ये 60% अधिक कार्यकुशल है, इसको 100 माना तो ये 60% अधिक तो 160, इनको जो काटपीट किया 5 और 8 है, ये इनकी कार्य क्षमता, यानी एक दिन में 5 काम और बी का एक दिन में 8 काम। 12 × 5 क्यों किया, क्योंकि ए का दिया था 12 दिन कर सकता है, उसकी इफिशियंसी 5 थी, एक दिन में 5 काम करता है तो 12 दिन में 60 काम, यही क्या हो जाएगा, कुल काम। बी को उसी काम को कितने दिन में करना है, तो बी कुल काम बटे
एक दिन का काम, तो 60/8 यानी आ गया 7 से 1/2 दिन। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको लेवल लगेगा लेकिन बहुत ही शानदार और सरल तरीके से बनेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 12 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पे लगा दिया गया, तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। यानी ए अलग दिन ए कर सकता है 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। ए और सी ने मिलकर कार्य किया 2 दिन दोस्तों, उसके बाद ए को हटा दिया गया, सी कंटिन्यू काम कर रहा है, ए की जगह कौन आ गया, बी आ गया। तो पूछा है कि कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो चलो दोस्तों देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस आप समझते चलिए। ए बी और सी, ए का है दोस्तों 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में। तीनों का एलसीएम लोगा दोस्तों, क्योंकि जो एलसीएम रहता है वही टोटल काम होता है, यही टोटल वर्क। टीडब्ल्यू का मतलब कुल वर्क, टोटल वर्क कुल काम। तो दोस्तों 12 15 20 का एलसीएम 60 होगा, मैंने एलसीएम निकालना सिखा चुका हूं, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों उसको। ए के एक दिन का काम 12 × 5 = 60, ये क्या हुआ, उनकी क्षमता आ गई दोस्तों। मैं बार बार यही कह रहा हूं दोस्तों, जो क्षमता होती है वो एक दिन का काम, काम पर डे, सॉरी काम पर दिन, इसका मतलब होता है कि एक दिन में कितना काम हो रहा है, ये क्षमता 12 × 5 = 60। बी की क्या हो जाएगी क्षमता, 15 × 4 = 60, और सी की क्या हो जाएगी, 20 × 3 = 60। तीनों की क्षमता आ गई दोस्तों, 5, 4 और 3। ठीक है दोस्तों, थोड़ा गलत मिस्टेक हो गई थी दोस्तों, 10 दिन ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में, तो इसकी क्षमता जो आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। ए और सी मिलकर 2 दिन कार्य किए, कौन आ गए काम करने, ए और सी, कितने दिन काम किए, 2 दिन काम किए, तो कितना काम हुआ होगा। ए और सी की इफिशियंसी 6 और 3, ए की इफिशियंसी 6, सी की 3 × 2, कितना काम हो गया, 18 काम हो चुका है। अब किसने किया, ए और सी ने मिलकर किया, टोटल काम कितना था 60, तो शेष काम कितना हो जाएगा दोस्तों, क्या काम करेंगे शेष काम निकालने के लिए, टोटल काम में से जो ए और सी ने काम कर चुका है उसको घटा देंगे, 60 में से 18 घटा दो, 10 में से 8 जाएगा 2, 5 में से 4, 42 काम बचा है। जितना क्वेश्चन ने बोला उतना मैंने कर दिया। अब क्या बोला है, ए को हटा दिया गया है, अब बी को ला लिया गया है, सी कंटिन्यू है, क्या बोला गया है, बी को ला लिया गया है सी के साथ, क्योंकि ए के स्थान पे बी ला लिया गया है। तो दोस्तों बी और सी की इफिशियंसी कितनी है, बी की 4 सी की 3, 4 और 3 यानी 7 काम क्या करते हैं ये पर डे, यानी एक दिन में दोनों मिलके 7 काम करते हैं। काम कितना करना है 42, तो दिन कैसे निकलेंगे, 42/7, 7 × 42 46 दिन में बी और सी मिलके काम को कंप्लीट कर देंगे। पूछा क्या है दोस्तों, कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो दोस्तों 2 दिन ए और सी ने मिलकर किया इसलिए 2 दिन, उसके बाद बी और सी ने कितने दिन में किया, 6 दिन में, प्लस 6 दिन, तो कुल मिला के कितना हो गया, 8 दिन, ये आपका आंसर। दोस्तों अगर पूछता कि बी और सी ने कितने दिन काम किया, तो 6 दिन, यदि कुल मिलाकर दिन पूछा है तो 8 दिन, क्योंकि ए और सी ने 2 दिन। समझ में आया, एक बार फिर से देखिए, ए बी सी का दिन दिए थे, एलसीएम निकाले 60, उनकी इफिशियंसी निकाली, इस तरह से आपको आसानी से बनाते आ जा रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन बस यही थोड़ा सा है, ए और सी ने 2 दिन काम किया, दोनों की इफिशियंसी जोड़ दिए, 2 से गुणा कर दिए, 18 काम ए और सी ने मिलकर किया, टोटल काम कितना था 60 में से 18 घटाया, 42 काम बचा, एक स्थान पे कौन आ गया, बी आ गया, सी कंटिन्यू काम कर रहा है। तो बी और सी ने मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 7 काम पर डे, मतलब 7 काम एक दिन में करते हैं, तो 42 काम कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे। क्वेश्चन में बोला है कुल मिलाकर कितने दिन में हुआ, पहले 2 दिन किए फिर 6 दिन किए, यानी 8 दिन में काम कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों समझ में आ चुका होगा आपको क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त क्वेश्चन था दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेवल ज्यादा है दोस्तों। मैं आज बता चुका हूं आपको कि ये जो है वर्क एंड टाइम का पार्ट 2 है, इसमें क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा हाई रहेगा दोस्तों और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट 1 मैंने करा चुका हूं दोस्तों, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, और दोस्तों हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं।
ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बी ने अकेले 5 दिन काम किया, उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा किया, तीनों मिलाकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में दिक्कत जा रही होगी, लेकिन मैं क्वेश्चन को जैसे जैसे बनाते जाऊंगा आपको समझाते भी चलूंगा। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को, दोस्तों ए और बी दिया है, ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले काम किया 4 दिन, बी ने अकेले 5 दिन, इसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा किया। लेकिन ये नहीं बताया दोस्तों कि सी कितने दिन में काम कर सकता है, ये नहीं बताया। तो यहां जो एलसीएम आएगा वो ए और बी का ही आएगा। ए और बी का एलसीएम ले लिए दोस्तों, कितना आ गया 30। 30 मतलब टोटल वर्क, कुल काम। ए के एक दिन का काम कितना आ गया 3, बी के एक दिन का काम कितना आ गया 2। ये दोस्तों ये क्या है, क्षमता। क्षमता मतलब ए और बी के एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम 3, बी के एक दिन का काम 2। तो क्या बोला है दोस्तों, चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट कर, इतना आपको समझ में आ गया। चलो आगे कहता है, ए ने अकेले 4 दिन काम किया, ए आया, ए ने अकेले 4 दिन काम किया, एक दिन में कितना काम 3, तो 4 दिन में कितना काम, ए ने 3 काम एक दिन में, तो 4 दिन काम करता है तो कितना काम कर लिया उसने 12 काम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कहता है, बाद में बी ने अकेले, बी आया दोस्तों, बी ने अकेले 5 दिन काम किया, बी की इफिशियंसी कितनी है 2, कितने दिन काम करता है 5 दिन, इसकी इफिशियंसी कितनी है 2, इफिशियंसी का मतलब एक दिन में 2 काम, तो 5 दिन में 10 काम, तो कुल काम कितना हो गया दोस्तों 22 काम। 22 काम हो चुका है, 30 काम में से 22 काम ए और बी ने कर लिए, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा दोस्तों, टोटल काम में से मैं जो 22 काम हो चुका है उसको हटा दूंगा, तो कितना काम बचा 8 काम। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। अब क्या कहता है क्वेश्चन, उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा किया, शेष काम कितना है 8 काम, कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में, तो आप बता सकते हो कि उसकी क्षमता कितनी है एक दिन में 1 काम की, एक दिन में कितना काम करेगा 1, तो 8 दिन में 8 काम, बचा भी कितना है 8 काम। ठीक है दोस्तों, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखो क्या करोगे, वही जो मैंने तरीका बताया, वर्क यानी काम, टाइम जो समय था, उसके बाद क्षमता, क्योंकि हमें सी की क्षमता नहीं दी है, काम कितना था 8, टाइम कितना लेता है ये 8 दिन, 8 दिन लेता है, क्षमता निकालना है। किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये सी के लिए बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ सी के लिए, 8 दिन से 8 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 काम पर दिन काम करता है कौन सी, तो सी की क्षमता कितनी आ गई 1। या आप डायरेक्ट भी बता सकते थे, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी दोस्तों, पर मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। ठीक है चलो, क्या कह रहा है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, काम कितना है कुल काम 30, तीनों मिलके, तो ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2 और सी की 1, 3, 2 और 1 कितनी हो जाएगी तीनों की क्षमता, चलो मैं यहां लिख देता हूं, तीनों की क्षमता, तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे, तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे 3 और 2 5 और 1 6 काम करेंगे तीनों मिलकर, तीनों की क्षमता मतलब तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे 6, 30 काम कितने दिन में हो जाएगा 6/30 यानी 5 दिन में, ये आपका आंसर। समझ में आया दोस्तों, एक बार रिवाइज करवाता हूँ, हमें यहाँ सी नहीं, ये नहीं बताया था कि सी कितने दिन में कर सकता है, इसलिए हमें यहाँ सी का एलसीएम नहीं ले सकते थे। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, दोनों का जो एलसीएम आया टोटल काम, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, ए आया, ए ने काम स्टार्ट किया, चार दिन करता है 3 का, यानी 3 काम एक दिन में 3 काम करता है, तो 4 दिन में 12 काम किया। फिर बी आया, बी ने 5 दिन काम, एक काम को 2 दिन में कर सकता है, तो 5 दिन में 10 काम किया, टोटल 22 काम हो चुका था। शेष काम कितना बचा, 30 में से 22 घटाया 8 काम बच चुका था। अब क्या कहता है, शेष काम को सी 8 दिन में कर सकता है, 8 ही काम को 8 दिन में कर रहा है, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा 1 काम करेगा, तो 1 काम किसका आ गया सी की। पूछा है तीनों मिलके, ए एक दिन में 3 काम, बी 2 काम और सी 1 काम, तीनों मतलब 6 काम, तीनों मिलके 6 काम, टोटल काम 30, 30/6 यानी 5 दिन में तीनों मिलके कार्य को समाप्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, बहुत ही अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन था। तो दोस्तों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूं दोस्तों, जो अक्सर
हमेशा कन्फ्यूजन करते हैं और हम क्वेश्चन को देखते ही लगता है कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे करेंगे, लेकिन दोस्तों इसका जो सॉल्यूशन है बहुत ही सिंपल है क्योंकि मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से बता रहा हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। क्वेश्चन को अच्छे से सुनना है दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन ये थोड़ा घुमावदार है, आपको समझाना जरूरी है। ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। तो पूछा है ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों यहाँ ये नहीं बताया है कि किस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, हमें यहाँ उनके एक दिन का कार्य, मतलब बात क्या आ गई दोस्तों, जब भी एक दिन का कार्य की बात आती है मतलब वो क्षमता की बात कर रहा है कि एक दिन में वो कितना कार्य करता है। तो चलो दोस्तों यहाँ हमें दिन नहीं दिए, एक दिन का कार्य बोला है मतलब उनकी क्षमता की बात कर रही है, बात चल रही है। चलो क्वेश्चन को बनाते हैं बहुत ही शानदार और लाजवाब तरीके से। तो क्या करेंगे दोस्तों, हमें नहीं पता कि सी की क्षमता कितनी है, बी की कितनी है और ए की कितनी है। हम क्या करेंगे दोस्तों, सी की क्षमता को मान लेते एक, ये बात चल रही है क्षमताओं की कि क्वेश्चन में दिन नहीं दिया है, ये बात चल रही है क्षमताओं की यानी उनकी इफिशियंसी की, कि सी का एक दिन का कार्य मान लिया मैंने दोस्तों एक, कि सी एक दिन में एक काम करता है। तो क्या बोला है, बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा ए करता है और बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा सी के एक दिन में कार्य का आधा करता है। बी जो कर रहा है सी के एक जो काम हो रहा है उसका आधा कर रहा है, एक का आधा 1/2, और ए जो है बी के द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा कर रहा है, तो इसका 1/2 का आधा 1/4। समझ में आया दोस्तों, अगर आप 1/2 को आधा करोगे, 1/2 को आधा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहां कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं कि 1/2 का आधा 1/4। ये जो आई दोस्तों क्षमता आई, तो कुल क्षमता क्या होगा, अब क्या बोला है, क्या बोला है इसके बाद, सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोस्तों सी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता 7 है और सी कितने दिन में कर सकता है, 7 दिन में, 7 दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है, क्षमता 1 है, तो कुल कार्य क्या हो जाएगा, कुल कार्य के लिए क्या करते थे दोस्तों हम, समय गुणित क्षमता। किसकी बात चल रही है, सी की, सी का क्षमता कितनी है 1, कितने दिन में कर रहा है वो 7 दिन में, तो कुल काम कितना आ जाएगा 7, 7 क्या आ जाएगा कुल काम। अब पूछा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, कुल काम आ गया 7 काम आ गया और नीचे क्या आ जाएगी, तीनों की क्षमता 1/4, 1/2 और 1/1, तो क्या हो जाएगा इनकी क्षमता 1/4, 1/2 और 1। तो क्या करेंगे दोस्तों, इनका एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 का भाग 4 में दूंगा और 1 आएगा, यहाँ 2 और यहाँ 4, तो ये क्या हो जाएगा 7/4, 7 से 7 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 4 दिन, यानी तीनों मिलकर इस कार्य को क्या कर लेंगे, 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। समझ में आया, क्वेश्चन को फिर से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन बोला था ए द्वारा जो काम किया जाता है बी के एक दिन कार्य का आधा और बी द्वारा सी के एक दिन कार्य का आधा, तो सी का काम मैंने 1 मान लिया एक दिन का, तो बी के एक दिन का काम 1/2, ए के एक दिन का काम 1/4, तीनों की क्या आ गई है क्षमता। और क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया है कि सी 7 दिन में काम कर सकता है, तो कुल कार्य निकालना जरूरी है, सी के लिए 7 दिन, क्षमता 1, तो कुल कार्य 7, कुल कार्य हो गया 7। पूछा है तीनों मिलके, तो तीनों की क्षमता दी चुकी है, तो कुल काम बटे उनकी क्षमता से हमें हमेशा दिन निकल आ जाते हैं, तो ये 7 और उसके बाद क्षमताओं का एलसीएम ले लिया गया क्योंकि ये भिन्न में दिए थे, तो उसके द्वारा ये आंसर आ गया आपका 4 दिन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन बहुत ही ईजी तरीके से बनाया गया दोस्तों, समझ में आया होगा दोस्तों ये आपसे उम्मीद है। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है लेकिन है ही बहुत शानदार। तो दोस्तों हमारे जो सॉल्यूशन है आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके द्वारा जो हमें आपका जो फीडबैक आएगा दोस्तों वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो हमारे लिए जानना जरूरी कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो दोस्तों चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं।
ए अकेला एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को 4 दिन में, यहां ए का दिया है, बी का दिया है और तीनों का दिया है, सी का नहीं दिया है दोस्तों, तो हमें सी का निकालना पड़ेगा। इस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर, इनकी कुल मजदूरी, ये जो काम कर रहे हैं दोस्तों, कोई काम कर रहे हैं उसमें कुल मजदूरी लग रही है 4,500 रुपए, तो हमें यह बताना है सी को कितना रुपए मिला होगा। देखो समय चल, क्वेश्चन चल रहे हैं समय और कार्य के, लेकिन यहाँ कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा दे देता है कि कुछ ठेका ले लेते हैं कुछ काम करने का, कि इतने इतने रुपए का ठेका ले लिए, तो हमें ये तो पता करना चाहिए कि ए को कितना रुपए, बी को कितना, सी को कितना। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ए है, बी है, और दोस्तों यहाँ दिया है तीनों का, ए प्लस बी, बी प्लस सी, तीनों का दिया है। ए का दिया है 8 दिन, बी का दिया है दोस्तों 12 दिन, और सी और तीनों का दिया है 4 दिन। देखो इसकी जो इफिशियंसी आएगी तीनों की मिला के आएगी, इसकी जो आएगी बी की अकेली आएगी, और इसकी जो आएगी क्षमता उसकी भी अकेली आएगी। तो चलो इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा, यहाँ हमेशा जल्दी से एलसीएम निकल जाएगा दोस्तों, क्योंकि 8, 12, 4 है, इसमें ऐसी संख्या लेना है जिससे 8, 12, 4 से चले जाए। तो क्या होगा इसमें 24, 16 क्यों नहीं होगा, 4 से तो जाएगा, 8 से जाएगा, लेकिन 12 के पहाड़े में 16 नहीं आता। ये क्या आ गया दोस्तों, टोटल वर्क मतलब कुल काम, एक ही क्षमता, एक दिन का काम 8 + 24, 12 × 24, बी की क्षमता 2, और तीनों की क्षमता यानी इस तीनों की क्षमता कितनी आ गई 6। यहां पता चल गया दोस्तों, लेकिन पूछा क्या है कि तीनों जो काम कर रहे हैं 4,500 रुपए की मजदूरी है इनकी, 4,500 रुपए की मजदूरी है, लेकिन सी को कितना मिलेगा। लेकिन जब सी की क्षमता ही नहीं पता तो आप बता पाओगे कि कितना रुपए मिल रहा होगा, नहीं दोस्तों। तो उसके लिए क्या करना है हमें, उसके लिए हमें पहले सी का निकालना है। तो देखो इसकी इफिशियंसी तीनों की 6 दी है और ए और बी की भी दी है, तो ए प्लस बी को घटा दूंगा मैं ए प्लस बी प्लस सी में से, तो सी का निकल जाएगा। कैसे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता में से मैं ए प्लस बी की क्षमता को क्या करूंगा, घटा दूंगा। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 6, और ए और बी की क्षमता 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 कहां से लिखा, क्योंकि इसकी 3 है और इसकी 2 है, इसके लिए 5। तो कितनी आ गई 6, 1 आ गई, सॉरी 6 में से 5 गया 1, ये किसी आ गई सी की एक दिन का काम, या उसको कह सकते हो सी की क्षमता। अब पूछा है कि तीनों तीनों को कुल कितनी मजदूरी मिल रही है, तीनों को कुल कितनी मजदूरी मिल रही है, तीनों को मिल रही है 4,500, मतलब तीनों की क्षमता कितनी है 6, तो 6 = 4,500 रुपए। मैं 6 = 4,500 क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि जो तीनों की क्षमता 6 है और 6 = 4,500 रुपए, क्योंकि तीनों की जो मजदूरी है 4,500 रुपए है, तो 1 = 6 × 7 = 42 और ये 5 यानी कितना आ गया 7,750 रुपए, 750 रुपए की किसकी आ गई दोस्तों, ये आ गया आपके पास एक रिलेशन कि 6 = 4,500 रुपए, क्योंकि तीनों की मजदूरी है तो 6 इफिशियंसी है, 6 = 4,500 तो 1 = 7,750। पूछा किसका है, सी की, सी की क्षमता कितनी है 1, 1 = 750 तो सी का भी क्या हो जाएगा 750 रुपये, सी को कितना मिल रहा है 750 रुपये। यदि आपको बोला जाए कि ए को बताओ कितना मिल रहा है, ए को बोला जाए तो 1 = 750 और ए का कितना है 3, तो 750 × 3, 3 × 9 = 15, 3 × 7 = 21, 2,250 रुपए ए को मिल रहा। अगर बी को पूछा जाता दोस्तों क्वेश्चन में, तो 1 = 750 और बी की क्षमता कितनी है 2, 1 = 750, तो 2 × 2 = 10, 2 × 7 = 14, 1,500 रुपए। तो इस तरीके से आप तीनों का बता सकते हैं, ये आपका आंसर। क्वेश्चन में सी का पूछा था तो सी का, और तीनों का पूछता तो दोस्तों तीनों का। एक बार रिवाइज जल्दी से, इतना इतना दिया था, तीनों का दिया था जो टोटल कार्य, एक ही इफिशियंसी बी की और तीनों की, हमारे पास क्या सी की इफिशियंसी क्षमता नहीं दी थी, तो तीनों में से दोनों की घटा दूंगा तो सी की क्षमता आ जाएगी, और 6 = यानी तीनों की मजदूरी 4,500 रुपए, तो एक की मजदूरी 750, सी की क्षमता एक ही थी इसलिए 750 रुपए, बी की क्षमता 2 है तो 1,500 रुपए, और सी ए की क्षमता 3 है तो 2,250 रुपए। समझ में आया दोस्तों, चलो
बहुत ही ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जामों में अक्सर आपको देखने मिलेंगे और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, उनको समझना बहुत जरूरी है, अक्सर एग्जामों में आते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो दोस्तों चलो देखते हैं क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। मैं अब जो क्वेश्चन कराऊंगा वो टाइप टू टाइप के हो जाएंगे दोस्तों क्वेश्चन, क्योंकि जो अपन क्वेश्चन कराए वो लेवल थोड़े ज्यादा थे, अब क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा कम है लेकिन टाइप अलग है। क्वेश्चन पढ़ देते हैं दोस्तों, समझ में आ जाएगा। यदि 10 व्यक्ति 60 घरों में रंग रोपण मतलब पुताई का काम 120 दिन में करते हैं, तो 5 व्यक्ति 30 घरों का रंग रोपण का काम कितने दिन में करेंगे। दोस्तों मैंने इस टाइप के क्वेश्चन मिश्र समानुपात में पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने MDS से भी बताया था और अनुपात मेथड से भी उस क्वेश्चनों को बता चुका हूं। तो दोस्तों यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मिश्र समानुपात वाला लेक्चर देख सकते हैं दोस्तों, उसमें मैंने दो तरीके से बताया हूं। लेकिन अभी हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है समय कार्य, इसलिए मैं समय कार्य की मेथड से ही बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 व्यक्ति हैं 60 घरों में रंग रोपण का काम 120 दिन में कर रहे हैं, तो 5 व्यक्ति 30 घरों का काम कितने दिनों में रंग रोपण का करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए एक होता है MDH फार्मूला, मतलब ये दोस्तों कुछ कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं इसका छोटा सा रिवीजन आपको करा देता हूं। 1-1 इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि एक साइड पार्टी इतना काम करती है तो पूछता है कि दूसरी जो पार्टी है वो कितना काम करेगी, कितने दिन में करेगी, कितने घंटे में। दोस्तों ये जो है ये आदमी की बात कर रहा है, इसमें आदमी आ सकते हैं, कुछ जानवर वनवर की बात कर चल रही है तो उनको भी हम मेन में रख सकते हैं, या कुछ चीजें इसमें दोस्तों हमेशा दिन रहेगा, जो भी दिन की बात कर रही है इसमें हमेशा घंटे रहेंगे, हावर्स मतलब घंटा रहता है। ये जो होता है दोस्तों ये वर्क होता है, यानी ये होता है कार्य, ये भी वही रहेगा, दूसरा आदमी दूसरे दिन दूसरे घंटे और ये दूसरा कार्य। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों मैं जो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं वही है कुल काम बराबर समय गुणित क्षमता। ये कैसे पता चलेगा दोस्तों, देखो समय ये है क्षमता ये है, मतलब ये आदमियों की क्षमता ये दिन, तो वो समय के बराबर हो जाता है। और टोटल ये जितना होता है दोस्तों ये इसको हम वर्क ही मानते हैं, क्यों होता क्या है, ये जो MDH है ये होता है कुल वर्क, कुल काम, ये होता है कुल काम। लेकिन जब कुल काम के बराबर कुल काम को लिया जाता है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको इसके बटे में डाल देते हैं, इसको टोटल वर्क इसके बटे में डाल देते हैं, जब दूसरी पार्टी काम कर रही हो तो फिर दूसरे का वर्क आ जाता है। इस तरीके से फिर इसको ये फार्मूले में रूपांतरित कर दिया गया है। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन करते हैं, अब इसी फार्मूले में मान रखना है, कैसे रखना है मैं आपको बताता हूं। 10 व्यक्ति है दोस्तों, एक बार मैं फिर से फार्मूला लिख दे रहा हूं, MDH बटे W, ये 2-2 रख दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये 1-1। 10 व्यक्ति 60 घरों में, आदमी की जगह 10 व्यक्ति, डे कितने दिनों में, 120 दिनों में काम कर रहे हैं, हावर्स नहीं दिया है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं दोस्तों, क्वेश्चन में घंटे नहीं बताए, 60 घरों में रंग रोपण कर रहे हैं, मतलब जो घर में काम कर रहे हैं वो काम है दोस्तों, तो 60 घरों में दूसरी पार्टी बोल रहा है, अब दूसरी पार्टी 5 व्यक्ति कितने दिनों में कह रहा है, कितने दिनों में 5 व्यक्ति 30 घरों का काम, कितने घर काम करना है 30 घर, तो ये कार्य नीचे आ गया, ये आदमी आ गया, ये दिन आ गया, तो दूसरी पार्टी पूछा कितने दिनों में करेंगे 30 घरों का काम, 5 व्यक्ति 30 घरों का काम कितने दिन में करेंगे यदि 10 व्यक्ति 120 दिनों में 60 घरों का काम कर रहे हो। तो चलो दोस्तों सॉल्व करो, आसानी से हो जाएगा, 30 का भाग 60 में देंगे 2 बार जाएगा, 5 से भाग देंगे ये 2 बार, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो D2 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 120 दिन। तो दोस्तों यदि 10 व्यक्ति 60 घरों का काम 120 दिन में कर रहे हैं तो 30 घरों का काम 5 व्यक्ति 120 दिन में काम करेंगे। समझ में आया दोस्तों क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन बहुत ही शानदार। इसी टाइप का मैं दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है तो दोस्तों ये MDH फार्मूला। दोस्तों MDH को फार्मूला को याद रखने के लिए आप MDH मसाले से याद रख सकते हैं, एक प्रकार का जो मसाला आता था दोस्तों, एक MDH वाले एक बाबा जी आते थे टीवी में, देखा होगा आपने MDH वाला करके, तो वो मसाले से आप याद रख सकते हो। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बुने, तो मतलब 7 जाले जो बनाने वो काम हो गया 7 दिन में 7 मकड़ी, तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी। दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है कंफ्यूजन हो जाता है और लोग अक्सर क्या सोचते हैं, जब 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बना रही है तो एक मकड़ी एक दिन में एक जाला बनाएगी, सभी को लग रहा है और लोग ऐसा ही कर देते हैं। और ऑप्शन कैसे रहेंगे दोस्तों, ऑप्शन जो रहेंगे इसके
इस क्वेश्चन के एक दिन, सात दिन, सात बटे दो दिन और डी इसका उन। दोस्तों हमेशा ऑप्शन ऐसे रहेंगे। और आपको क्या लगेगा कि जब सात मकड़ी सात दिन में सात जाले बना रही है तो एक मकड़ी एक जाला एक दिन में बनाएगी, और आप क्या लगा के आ जाओगे, इसको लगा के आ जाओ, जो आपका आंसर गलत हो जाएगा। दोस्तों क्यों गलत होगा वो आपको सॉल्यूशन से समझ में आएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं। एम डी एच बटे डब्लू, वन वन काम हो रहा था, ये वन वन पार्टी कर रही थी। एम टू डी टू एच टू बटे डब्लू टू दूसरा कार्य। तो दोस्तों चलो, सात मकड़ी मतलब आदमी की जगह मकड़ी आ गई, सात मकड़ी सात दिन में, सात दिन में घंटे नहीं दिया है तो इसको यहां से काट सकते हो, यहां से हटा दो। अगर दिया रहता कि सात मकड़ी सात दिन में सात घंटे ऐसा करके सात जाले बनाती तो फिर लिखते हैं कितने जाले बना रही है, सात जाले बना रही है। तो पूछा है एक मकड़ी कितने दिन में एक जाला बनाएगी, एक जाला बना रही है तो एक काम, एक मकड़ी एक काम। तो दोस्तों यहां हमेशा आपको लगता है कि एक ही आएगा लेकिन नहीं आएगा, आज सब क्लियर हो जाएगा। एक से एक तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो होते जाता है, कट जाएगा। ये सात से सात कटेगा, बचा क्या, सात बराबर डी टू। तो दोस्तों क्या आया आंसर आपका, सात दिन, सात दिन आपका आंसर क्या है, सात दिन। तो क्या कह सकते हो कि एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बनाएगी, सात दिन, ये आपका आंसर। हमेशा गलती से एक दिन नहीं लगाना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये समझ। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा, एक बार व्यापम में इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, सौ आदमी सौ दिन में सौ काम करते हैं तो एक आदमी एक काम कितने दिन में करेगा, तो कितने दिन में करेगा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सौ दिन में ही करेगा, ठीक है दोस्तों। अगर सॉल्व करना है तो इस तरीके से, नहीं तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि जो भी एक एक पूछता है तो वो उतने ही दिन में करता है जितनी पहली पार्टी कर रही हो। तो चलो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कन्फ्यूजन वाले थे, लेकिन आज आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया। तो चलो दोस्तों देखते हैं बहुत ही प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन। दोस्तों मैं जो क्वेश्चन है आपके सामने, वो क्वेश्चन का उसी टाइप का क्वेश्चन मैंने पार्ट वन में करा चुका हूँ, लेकिन उसमें और इसमें क्या अंतर है दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ने पे मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, छह लड़के या चार पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं। दोस्तों इसके पहले जो क्वेश्चन था पार्ट वन में जो कराया था उसमें क्या लिखा था, और या तथा, मतलब कि दोनों मिलके कर रहे हैं, लेकिन यहां बोला है या मतलब छह लड़के या चार पुरुष, मतलब कि जो छह लड़के जो काम कर रहे हैं वही काम चार पुरुष कर रहे हैं। या का मतलब अलग, कभी कभी या की जगह अथवा भी दे सकता है। तो पूछा है तीन लड़के तथा दस पुरुष, देखो यहां क्या बोला है, तथा मतलब साथ में दस पुरुष मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो चलो दोस्तों, छह लड़के बॉयज के लिए मैंने बता चुका हूं पार्ट वन में कि बी मतलब बॉय लिख रहा हूं, पुरुष के लिए मैं एम लिखूंगा और औरतों या महिलाओं के लिए वुमेन लिखूंगा। छह लड़के या चार पुरुष 18 दिन में, मतलब ये हो गया टोटल काम। जब भी मैं दिन का गुणा उनकी क्षमता से करूंगा दोस्तों तो क्या हो जाता है, काम निकल आ जाता है। या 18 दिन में, दोनों 18 दिन में कर रहे हैं, छह लड़के 18 दिन में, चार पुरुष 18 दिन में। तो दोस्तों यहां से देखो 18 से 18 कट जाएगा, दो दुनी चार, दो तिया छह, तो क्या बचेगा यहां, तीन बी बराबर टू एम, तो बी बटे एम दो बटे तीन, यानी बी के एक दिन का काम दो और एम के एक दिन का काम तीन। समझ में आया, बी के एक दिन का काम दो और एम के एक दिन का काम तीन। चलो क्या पूछा है, पहले टोटल वर्क निकाल लो आप, टोटल वर्क इसमें मान रखो या इसमें रखो, आंसर आपका सेम आएगा। तो देखो छः, बी कितना दिया है दो, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये था टोटल काम, छः गुणित दो गुणित 18, ये आ गया दोस्तों टोटल काम। अब पूछा क्या है, इस काम को तीन लड़के दस पुरुष, इस काम को कौन, तीन लड़के तीन बी प्लस दस पुरुष कितने दिन में करेंगे। ये बन गई दोस्तों इक्वेशन आपके सामने, ये काम निकल आ गया, ये टोटल काम, इस काम को तीन लड़के दस पुरुष कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि गुणा करने में टाइम जाएगा, आप क्या कर सकते हो डायरेक्ट, चलो तीन दूनी छः, क्योंकि बी बराबर दो तो तीन दूनी छः और तीन गुणी दस तीस, यानी 36 इंटू डी, देखो 18 कम 18, 18 दूनी 36, दो से दो कट जाएगा तो डी बराबर कितना आ गया, छः दिन, यह क्या आ गया आपका आंसर, छः दिन कौन काम कर रहा है, तीन लड़के और दस पुरुष, ठीक है। ये था पहले छः लड़के
18 दिन में, चार पुरुष 18 दिन में, तो इससे क्या निकाली उनकी इफिशियंसी कि एक लड़का दो काम करता है और एक आदमी तीन काम करता है। टोटल काम निकालने के लिए क्या किया, छह लड़के इसको रख लो या इसको रख लो, बात एक ही है दोस्तों। तो यहां मैंने रख लिया टोटल काम, इस टोटल काम के बराबर तीन लड़के 10 पुरुष कितने दिन में करेंगे, तो इसको सॉल्व किया तो 6 दिन में करेंगे। तो समझ में आया दोस्तों किस टाइप का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, यदि और दे देता तो यहां प्लस हो जाता। चलो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी जो क्वेश्चन किए उसी टाइप का है। क्या कह रहा है, एक आदमी अथवा दो औरतें अथवा तीन लड़के, मतलब तीन चीज दिया है और तीनों अथवा में दिया है, किसी कार्य को 44 दिन में समाप्त करते हैं, तो एक आदमी एक औरत एक लड़का मिलके उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोस्तों मैं जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जहां आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकते हैं, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों जहां आपका कंफ्यूजन दूर हो और आपको हमेशा हमेशा के लिए टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है हमेशा हमेशा के लिए इजी हो जाए। तो चलो दोस्तों क्या बोला है, एक आदमी या अथवा मतलब उसके बराबर दो औरतें, डब्लू मतलब वुमेन, या तीन लड़के। देखो दोस्तों ये रिलेशन दिया है, कितने दिन में काम करें, 44 दिन में। तो दोस्तों यहां अगर मैं 44 दिन लिख दूं टोटल काम, यहां अगर मैं 44 से गुणा कर दूं तो टोटल काम, यहां यदि मैं 44 से गुणा कर दूं तो टोटल काम। तो दोस्तों ये आपके पास आ गया टोटल काम, ये भी उतना ही काम है, ये भी उतना ही काम है, ये भी उतना ही काम है। एक लड़का दो औरतें तीन, सॉरी एक आदमी दो औरतें तीन लड़के 44 दिन में करते हैं। तो दोस्तों यहां से जो जो कॉमन हो रहा है काट दो, जैसे 44 कॉमन था, लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन लिख लो, कॉमन था कट गया, क्या बचा, एक एम दो औरतें और तीन लड़के। तो दोस्तों हमें तीनों की इफिशियंसी चाहिए, अब कैसा करोगे। तो दोस्तों मैं आपको अनुपात समानुपात पढ़ा चुका हूं, उसमें से आपको बता चुका हूं कि इस टाइप के को अनुपात में कैसे बनाना है। नहीं है तो पहले आप दो को ले लो, इन दो को ले लो, क्या हो जाएगा, 1m बराबर 2w, मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, m बटे w बराबर 2/1, ये आ गया, यानी m अनुपात w 2:1। चलो फिर इसके बाद इसको और इसको ले लो, इसको और इसको ले लो, तो क्या हो जाएगा, 2w बराबर 3b, यानी w/b बराबर 3/2, ये आ गया। या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो। तो दोस्तों यहां आपको एक एक क्षमता नहीं निकल पा रही है, तो अब क्या करोगे, इसको आप, इसको अब क्या करोगे, एम डब्लू डब्लू बी, लेकिन W यहां एक है और W यहां तीन है। तो मैंने अनुपात बता चुका हूं दोस्तों, यदि आपने हमारे अनुपात समानुपात के चैप्टर नहीं देखे हो, लेक्चर नहीं देखे हो, तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलो कैसे करोगे, यहां और क्या आ जाएगा, तीनों का इफिशियंसी आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, तरीका मैंने बताया था इस तरीके से, तीन दूनी छह, तीन एकम तीन और दो एकम दो। तो ये आ गया दोस्तों आपके पास, एम के एक दिन का काम छह, वुमेन के एक दिन का काम तीन और बॉयज के एक दिन का काम दो। चलो क्या पूछा है, टोटल काम निकाल लो। टोटल काम निकालने के लिए क्या करोगे दोस्तों, टोटल वर्क निकालने के लिए इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, किसी में भी मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। टोटल क्या काम है, एक एम गुणित 44, क्या हो जाएगा, एक एम कितना है, 6 × 44, ये आ गया टोटल काम। क्या पूछा है, एक आदमी एक औरत एक लड़का, मतलब एक आदमी एक औरत और एक लड़का कितना काम, कितने दिन में काम करेंगे, डी। टोटल काम कितना है हमारे पास, 6 × 44, एक को लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, एक एम बराबर 6, 6 कम 6, एक औरत का कितना दिया है 3, तो 3 ही रहेगा, एक लड़के कितना दिया है 2, इसके बराबर गुणित डी बराबर 6 × 44। दोस्तों मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, मैं इसको सॉल्यूशन को यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है दोस्तों, 6 और 3 9 और 2 11, 11 × d बराबर 6 × 44, 11 × 44, तो डी बराबर 24 दिन में दोस्तों, 24 दिन में क्या होगा, एक आदमी एक औरत और एक लड़का इस काम को समाप्त करेंगे। क्वेश्चन बड़ा इसलिए लग रहा है दोस्तों क्योंकि यहां जो रिलेशन दिया है, एक आदमी दो औरतें और तीन लड़के, या में पूछा है, तो हमें तीन अनुपात में निकालना पड़ेगा। अनुपात में निकालने के लिए पहले दो को ले लो, फिर इन दो को ले लो, तो इस तरीके से भी आपका आंसर
आ जाएगा। यदि आपको ऐसा नहीं आता दोस्तों, इसको छुपाओ, 3 × 2 = 6 डायरेक्ट लिख सकते हो। यदि आप इसको निकालना है तो इसको छुपाओ, ये निकाल सकते हैं 3, और सी का निकालना है तो इसको छुपाओ, इन दोनों का गुणनफल ये मैं अनुपात समानुपात में बता चुका हूं दोस्तों। यदि आपको उस तरीके से निकालना है तो उससे निकालिए, या इस तरीके से निकालना है तो इस तरीके से। इन तीनों की इफिशियंसी आ गई, एक दिन का काम तीनों का आ गया। इस तरीके से आप टोटल काम, उसके बाद एक आदमी, एक औरत, एक लड़के काम, इस तरीके से दोस्तों ये निकल चुके। तो दोस्तों हम इस टॉपिक को, हमारे इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, आप क्योंकि आप जितने ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, उतना ज्यादा आपसे बनते चले जाएंगे। क्योंकि टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो हमेशा कंफ्यूजन करता है और लगता है कि ये कैसे बनेंगे। तो दोस्तों मैं हर वेरायटी के क्वेश्चन करा चुका हूँ, बस आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जो नहीं बनता आप हमारे लेक्चर को देख कर समझ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ बताया हूँ। और दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत किसी भी क्वेश्चन में आती है तो आप कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों हम उसको, जब भी कोई भी नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम सॉल्व करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।